من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی تے میری قربانی و محیایا میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین. ساریاں عبادات خالص اللہ رب العالمین واسطے نے، واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس مقام زی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا اٹھواں سپارہ، سپارے دا رکوع ستواں، سورت دا نام سورہ انعام، سورت دا رکوع ویواں. اللہ دی رضا دی خاطر جو بھی کام کیتا جائے، مال خرچ کیتا جائے، وقت خرچ کیتا جائے، اپنی دولت اللہ دی راہ اندر خرچ کیتی جائے، اے ساریاں قربانی دیاں قسماں نے. قربانی اصل چ قرب وچوں ہے کہ ہر او کم جیڑا اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے کیتا جائے. ویکھو نا، جتنی عبادات نے، نماز تے ہر مسلمان اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے پڑھدا ہے، روزہ تے اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے رکھدا ہے، یعنی تمام عبادات جیڑیاں
अल्लाह दा कुरब हासिल करने वास्ते कीतियां जान। कुरबानी भी कुरब विचों है कि अल्लाह दा कुरब हासिल करने वास्ते बंदा अपना माल खर्च करदा, वो माल किसी जानवर नू ज़बा करन दी शकल अंदर होए या उदी कोई और हालत या कैफियत होए, इसनू कुरबानी किया जांदा। हुण सवाल ये पैदा हुंदा कि कुरबानी ते हर बंदा करदा है, चंद दिन बाद ईद उल अजहा दा दिन आउण वाला है, अल्लाह खैर खैर ना ले आए, लखां नहीं करोड़ां दी तादाद अंदर जानवरां नू लोगां ने ज़बा करना है। अल्लाह ने जिन्नी जिन्नी तौफीक दीती है, एक एक घर दे अंदर दस दस जानवर भी कुरबान किए जाते ने, अल्लाह दे रस्ते च उन्हां नू ज़बा किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि कुरबानी कबूल होने दियां शर्तां की ने? कुरबानी हर बंदा करता है और कोई गारंटी नहीं, मेरे कोल भी तुहाडे कोल भी, कोई बड़ा गुनाहगार है तो उहदे कोल भी, कोई बड़ा नेकोकार है तो उहदे कोल भी, कोई गारंटी नहीं। पता नहीं किदी कबूल होई है तो किदी नहीं होई। और मैं कहा करना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मालिक ने गल परदे च ही रखी है, वरना असी जिदी कुरबानी कबूल ना होंदी ओनू ताने दे दे के ही मार छड़ दे, मेहने दे दे के ही बेचारे नू मार छड़ दे। सोनिया परदे ही पा छड़े नी, एक ने 20,000 दा लिया बकरा ज़बा कीता, ते एक ने 20,00,000 दे जानवर लिया के ज़बा कीते ने। सोनिया अपने कोल ही राज रखे नी, खुरे कबूल किदी हो गई है, परदे रखे ने रब्बुल आलमीन ने। तो देखना ये वे कुछ जाहरी ऐसियां चीज़ा कि जिन्हां देखन दे बाद बंदा अंदाजा कर सकता है कि किदी कुरबानी कबूल होई है। अज दे इस खुतबे जुमा दे अंदर मैं इसे वास्ते अर्ज करना चाहना कि कुरबानी कबूल होने दियां शर्तां की ने? यह बात अपने ज़हन च रखे आ जे, कुरबानी कबूल होने दियां शर्तां की ने? मोटियां मोटियां तीन शर्तां ने, ज़हन च बिठा लो। नंबर एक, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। नंबर दो, माल हलाल होना चाहिए। नंबर तीन, इखलास होना चाहिए, अल्लाह की रजा होनी चाहिए। ये तीन चीज़ा फिर नोट फरमा लो। नंबर एक, अकीदा सही होना चाहिए। नंबर दो, माल हलाल होना चाहिए। और नंबर तीन, अल्लाह की रजा इखलास होना चाहिए। ये दुआ फरमाओ, अल्लाह सानू सारियां कम अज़ कम ए तीन शर्तां पूरियां करन दी तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाइयो, मेरे बरादर, आओ जरा अल्लाह दे कुरान दे अल्फाज ते गौर फरमाना और देखिए कि अकीदा किस हद तक जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता अकीदा दुरुस्त नहीं तो फिर जितना मर्जी बंदा माल खर्च करता जाए, अल्लाह नू इन्ना कुरबानियां दी कोई जरूरत नहीं। अकीदा सही नहीं, काफर है, मुशरक है, अल्लाह दे राज कुरबानियां करता जाए। तुसी वेखो ना, अबू जहल भी है मुशरक ते काफर से, हज भी करते सन, बैतुल्ला दा तवाब भी करते सन, कुरबानियां दे जानवर भी ज़बा करते सन, लेकिन चूंके अकीदा ठीक नहीं ते रब दे दरबार विच कबूल नहीं। अकीदा सब तो पहले जरूरी है। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने, अकीदा दुरुस्त नहीं ते ओदी मिसाल समझ लो। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, मसालुल लजीन कफरू बिरब्बिहिम, सपारा 13 ते सूरत दा नाम है सूरा इब्राहिम। मसालुल लजीन कफरू बिरब्बिहिम,
आमालोहम करमादिनिष्टदत बेहिर्रीहो फी यौमिन आसिव लायक दिरून मिम्मा कसबू अला शैयर जालिका हुवज़्ज़लालुल अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने जिदा अकीदा ही सही नहीं दिल दे अंदर अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर दी नफरत ए किताबो सुन्नत तो दूर और बद किस्म दी ते बद नसीबी नाल शिरक दे रस्ते ते चलन वाला कुफर दे रस्ते ते चलन वाला ओए सोनेओ अबू जाल ते अबू लाल आउन वाले हाजिया नू सत्तू पिलाया कर हाजियां दी खिदमत करना को मामूली अजर नहीं आने वाले हाजियां दी खिदमत करिया कर दे सन इन्हां नू पनीर ले आके पेश करिया कर दे इन्हां नू ले आके सत्तू बना के पिलाया कर दे इन्हां दे खाने दा इंतजाम ते एहतमाम कर दे आप भी काबातुल्ला दे तवाफ कर दे बैतुल्ला दा हज कर दे नाल फिर आला तो आला कुर्बानिया दे जानवर भी लिया के ज़बा कर दे अल्लाह क्या इन्हां नू ओ जेड़ा माल ते कुर्बानिया ते ओ पैसा जेड़ा तेरे राह विच खर्च कीता हाजिया नू सत्तू पिलांदे ने ते हाजिया दियां खिदमतां करदे ने इन्हां दा कुछ सवाब होएगा अल्लाह फरमांदे ने मसालुल लज़ीन कफरू बे रब्बिहिम उन्हां दी मिसाल के जिन्ना ने अल्लाह दे नाल कुफर कीता है ओना दे अमाल इंज ने करमा दे निष्टदत बेहिर्री हो फी यौमिन आसिफ लायक दे रून मिम्मा कसबू अला शैयर एक बहुत बड़ा ढेर पिया होवे स्वाद कादा स्वा किसे चीज़ नू जलाया जाए लकड़ियां नू जलाया जाए कखा नू जलाया जाए ते ओ जल के राख बन जांदे ने स्वा बन जांदे ने ओदा ढेर लगा होए भावें जितना उच्चा ते जितना भी लंबा चौड़ा एदा ढेर लगा होए ते तेज झखड़ चले तेज हनेरी आ जा तेज हवा चले ते ए सारी सवार अपनी जगह तो उड़ के हवा विच तहलील हो जांदी है पता ही नहीं लगता इत्थे कुछ है भी सी के नहीं अल्लाह फरमांदे ने जिवें बड़ा वड्डा ढेर स्वादा तेज हवा चलन दी वजह तो सारी उड़ जांदी है ते मालिक एदे ते काबू नहीं कर सकदा कंट्रोल नहीं कर सकदा इसे तरह ए जेड़े काफर ते अल्लाह दे नाम फरमान जिन्हां दे अकीदे दे अंदर शिरक दी मिलावट कुफर दी मिलावट अगर ए सारे अमाले कर दे ने ते अल्लाह दे दरबार विच इंजिए ए ते समझदे ने नेकियां बड़ियां ने हां साडे बड़े बड़े नेक अमाल लेकिन इंज अल्लाह दे दरबार अंदर जिवें स्वाद ढेर विचों कुछ नहीं बचदा इन्हां बेनसीबां नूं नेकियां विचों कुछ नहीं लभेगा अल्लाह सारे दे सारे अमाल नूं तबाह फरमा देंगे। नंबर एक नंबर दो अल्लाह जुल जलाल दे कुरान ने एक और मकाम ते एदी मिसाल बयान फरमाए अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीन कफरू आमालहुम कसराबिन बकियातिन यहसबुहु ज़मानु मा सपारा 18 ते सूरत दा नाम है सूरा नूर वल्लज़ीन कफरू आमालहुम
بهم كسراب بكيات يخصب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. دجی مثال قرآن نے بیان فرمائے، فرمایا جڑے لوگ اللہ نہ کفر کر دینے، اللہ دیاں نہ فرمانیاں تے کمر بستانے، اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، جویں ایک چٹیل میدان ہوئے. کدی تہانوں موقع ملیا ہوئے، خاص کر کے ریتلے علاقے جڑے نے، اے لئیے دا علاقہ کو چوک آزم دے علاقے چلے جاؤ، دور دور تک ریت دے بہت بڑے بڑے ٹیلے نے، یا بعض اوقات بڑی صاف سڑک ہوئے، جی ٹی روڈ تے چل دے ہوئے، تے توپ فل چڑی ہوئے، سورج چڑیا ہوئے، تے دوروں انج لگ دے جویں سامنے پانی ہے. ادھی اندازہ کیتا جے، چٹیل میدان ہوئے، ریت دے کھلے میدان ہون، تے دوروں انج معلوم ہوندا ہے جویں سامنے پانی ہے، یا جی ٹی روڈ تے سڑک صاف ہوئے، دور بندہ ویکھے تے انج لگدا ہے جویں پانی سامنے نظر آ رہا. اللہ فرماندے نے جویں ایک پیاسا بندہ بڑی شدت دی پیاس لگی ہے، پریشان ہے، تے دوروں ٹیلا ویندا ریت دا، سمجھدا پانی نظر آ رہا، یہ دوڑدا کہ میں جا کے پانی دا گھٹ پی لواں، تے جدوں لاگے پہنچدا اوتے ریت دا ٹیلا پانی نہیں ملے گا. اے کافراں تے اللہ دے نام فرمانا دی مثال وی انجی ہے، فرمایا جدوں امال کر دے جاندے نے تے امید رکھ دے نے، ساڈے بڑے بڑے نیک امال نے، ساڈیاں نیکیاں دے ٹھیر لگے نے، پہاڑاں دی طرح امبار لگے نے، پر فرمایا جدوں ساڈے کول آون گے ساڈے دربار وچ انہاں دا مل کوئی نہیں پینا. جویں پیاسے بندے نو ریت سمجھ کے پانی سمجھ کے لاگے جاندا ہے تے پانی نہیں لبدا، ایویں کافر نیکیاں سمجھ کے ساڈے کول آون گے تے ساڈے دربار وچوں انہاں نو لبنا ہی کچھ نہیں. یعنی سب تو پہلا قربانی دی پہلی شرط جیڑی ہے وہ ہے عقیدہ. کی ہے؟ قربانی دی سب تو پہلی شرط، قربانی قبول ہون واسطے سب تو پہلی شرط اے وے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیدا. دعا کریا کر اللہ شرک تو وی بچا لے تے رب بدعات تو وی بچا لے، کتے ایسا نہ ہوئے کہ اسی اونا بے نصیباں دے لڑی تے اونا دی صف وچ جا کے شامل ہو جائیے، کہ جڑے اعمال کر کر کے تھک جان تے احکم الحاکم مین دے دربار اندر انہاں دی کوئی ویلیو تے کوئی اہمیت نہ سمجھی جائے. نمبر ایک عقیدہ درست ہونا چاہید ہے. نمبر دو آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مال حلال دا ہونا چاہیدا ہے. اے سونے جے مال حلال نہیں تے کچھ چیزاں ظاہری اسباب بھی تے ہیں، جے مال حلال نہیں تے حرام دے مال وچوں اللہ کیویں قربانی قبول کرے گا؟ ہن تسی اندازہ کرو ہاں کہ کوئی بندہ او دے تے فرضی غسل ہے، غسل واجب ہے، تے اسے حالت نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ جگہ نپا کے گندی جگہ، روڑی دی جگہ، روڑیاں تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھن تو منع فرمایا، روڑی تے کھلو کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ کپڑے ناپاک نے، گندگی لگی ہے تے او کپڑے پا کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟
अच्छा वुजू ही करना है, शराब नाल वुजू करके नमाज पढ़े नमाज हो जाएगी? माल पाक होना जरूरी है। नंबर दो, नबी अली सलाम ने फरमाया माल हलाल होना चाहिदा है, क्योंकि कायनात दे इमाम अली सलाम दा फरमान गिरामी। आप फरमांदे ने एक बंदा लंबा सफर करके जांदा है, यानी हज करन वास्ते जांदा है, उमरा अदा करन वास्ते जांदा है, ते नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने ए जाके ते अपनी जबान तो तलबिया पुकार दे, जबान तो अल्लाह जुल जलाल दी तकबीर दे ते तस्बीह दे कलमे बोल दे, आंदा लब्बैक अल्लाहुम लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आवाज निकाल दे एहराम बनया होया, एक चादर लक बनी है, एक चादर गले च लपेटी है, मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने जबान तो जदों ये जुमले बोलदा लब्बैक अल्लाह मैं हाजर हां, ते जवाब की आउंदा ला लब्बैक। सोनिया तैनू तेरी करीमी रहीमी दा वास्ता ही, अपनी रहमत नाल सानू इन्ना बदनसीब लोगां चो भी ना करी। आमिना दे लाल अली सलाम ने फरमाया अगों जवाब मिलदा ला लब्बैक, ओ तेरी हाजरी कबूली नहीं, ला लब्बैक तेरा तलबी आई कबूल नहीं, तेरी इबादत ही कबूल। अल्लाह ये बड़ा लंबा पैंडा करके आया, कारोबार छड़ के आया, ए अपने कारखाने छड़ के आया, फैक्ट्रियां छड़ के आया, मुरब्बे ते सारियां चीजां नू छड़ के आया, अल्लाह अपने बच्चियां तो दूर आया, सफर दियां सोबतां बर्दाश्त करदा आया, लखा रुपए तेरे राह विच खर्च करके आया, ते तुसा जवाब दे दिता ला लब्बैक। नहीं ओ जालिमा तेरी हाजरी कबूल नहीं, ए अल्लाह दे नबी जी वजह की है? आप फरमांदे ने मशराबहु हराम, एदे नालों वड्डी बदनसीबी ते बदकिस्मती और की हो सकती है? इसे वास्ते मेरे आका अली सलाम ने फरमाया सहाबा बैठे ने हुजूर फरमा रहे सहाबियो जी आका, फरमाया ए दसो मुफलस किन्नू आंदे ने मुफलस? सहाबा कहन लगे सोने हो साडी जबान च या उर्फे आम च मुफलस उन्नू आंदे ने जिदे पल्ले शाह कोई ना होए, खान नू रोटी ना चजदी होए, रहन वास्ते कोई चजदा मकान ना होए, ते मफलूकुल हाल होए, गरीब होए, नदार होए, मुफलस साडी जबान च इहनू आंदे ने। नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने नहीं नहीं इहनू नहीं मुफलस आंदे, मुफलस असल दे अंदर ओ बदनसीब। कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह दा दरबार लगा होएगा, एंज ए दे नेकियां दे अंबार लगे ने, पहाड़ां दी तरह ए दियां नेकियां ने, अल्लाह जुल जलाल दी तरफों। हुण ए नहीं भी माज अल्लाह रब नू पता नहीं भी ए की करतूतां करके आया, ते रब ने नौजो बिल्ला भलेखे नाल इहनू जन्नत दा सर्टिफिकेट दे दिता, ए नहीं। असल गल ते सानू तुहानू समझाना मकसूद है, अल्लाह जुल जलाल दी तरफों आर्डर मिल जाएगा, इहनू जन्नत दी इजाजत मिल जाएगी, ते बिल आखर जदों जन्नत वाल टुरन लगेगा। इधरों एक बंदा आ गया, अल्लाह
ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜਬਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਨ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਉਦਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਅਹਕਮ ਉਲ ਹਾਕਮੀਨ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਨਸੀਬ ਖੜਾ ਏ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਦਿਓ ਬਾਸੀਓ, ਇਰਦਾ ਗਿਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੋ। ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਰ ਆਨੇ ਵੱਧ ਕੀ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋ ਦੌਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕੀ, ਐ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੌਖੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਐ ਰੁਸਵਾਈ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਫਲਸ ਹੈ, ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਨੰਬਰ 2 ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗਿਰਾਮੇ ਮਾਲ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਤ ਵੇ ਮਾਲ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜਬਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਮਾਲ ਦਾ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਖਾਲਿਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ। ਜੇ ਤੇ ਐਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੱਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਲਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਲਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਲਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਲਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਟਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ
कि इहदा गोश्त बड़ा सुआदी हुंदा है, ईमान नाल दसो कुरबानी का मकसद पूरा हो जाएगा। इस नीयत ते सोच ना करदा पिया कि कट्टे का गोश्त बड़ा लजीज हुंदा, गोश्त बड़ा मजेदार हुंदा, ओए जे मजा ही लैना ही ते सारा साल पिया उदों खा लिया कर, कुर्बानी करनी आ ते ओदे विच लज्जत ना वेखिया कर, इखलास वेखिया कर। जेड़ी भी करे, बकरा कर लै, छत्रा कर लै, दुंबा कर लै, गाय कर लै, वैड़ा कर लै, जे दिल मुतमैन हुंदा ही ते कट्टा भी कर लै, पर नीयत साफ होनी चाहिदी है, नीयत अंदर इखलास होना। एक दिन सैयदना हजरत मास रजी अल्लाह तआला अनहो, पता दे क्या नबी पाक अली सलाम दे केड़े खुश नसीब सहाबी ने, हजूर अली सलाम ने ना एक दिन जनाब मास नू बुलाया, मास जी आका। आप फरमांदे ने मास मैनू तेरे नाल अल्लाह वास्ते दी मोहब्बत। किड्डा खुश नसीब इंसान, मेरा दावा है हजूर मैनू तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है, तुहाडा दावा है आका सानू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, बड़ी मुहब्बत है। माज तेरी किस्मत ते मुकद्दर दे के आ कहने, जिन्हों आमिना दे लाल फरमा रहे ने, माज मैनू तेरे नाल अल्लाह वास्ते दी बड़ी मुहब्बत। ओ जनाबे माज रजी अल्लाह ताला अनहो ते नबी पाक अली सलातो व सलाम दा सहाबी है, एंज मस्जिद नबवी दे अंदर बैठियां बैठियां अचानक जारो के तार रोन लग पैंदे ने, सारो के तार रोन लग पैंदे ने। यार वेखो हां सोच उना लोगां दी कितनी पाकीज़ा, असी कुर्बानियां करने आ, शायद खुदा ना खास्ता किते ऐसी कैफियत ना हो जा, कोई आखेगा ऐदका जनाब सेठ साहब ने, चौधरी साहब ने, हाजी साहब ने, मौलाना साहब ने, शेख साहब हदा मुका दितियां ने, ऐदका इन्ने लख दा वैड़ा लिया, लोकी वेखणगे ते आशश कर उठणगे, ऐदका इन्ने लख दा इन्ने बकरा खरीदिया, लोग वेखणगे ते इलाके विच धुम्मा पै जाणगिया। सोहणिया खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे हजार बार ना करे, जे नीयत अंदर एक जर्रा बराबर भी दिखलावा आ गया ते खुदा दी कसमे सारियां कीतियां कतरियां खूविच पै जान गया, ते पल्ले कुछ नहीं हो पैना, रियाकारी मामूली जहा अमल भी किते आ जा। हजरत माज जैसे नबी पाक दे जलील उल कदर सहाबी अचानक ही सारो कितार रोन लग पैंदे ने, कौन ही सैयदना जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अनहो आप तशरीफ फरमाने, एंज फड़िया कंधे तो फड़िया हिलाया, ओ माज़े यार खैरियत है ना, क्यों अचानक रोन लग पिया। फरमान लगे उमर एवें बैठिया बैठिया मैनू नबी पाक दी एक हदीस मुबारक याद आ गई है, मैनू नबी पाक दी हदीस याद आ गई है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया सी, एक जर्रा बराबर भी रियाकारी आ गई ते अल्लाह जहन्नम दा बालन बना देंगे। सियाबीए ते इन्ना अल्लाह दा डर दिल दे अंदर, खौफे खुदा इन्ना। इस वास्ते मेरे भाइयो नंबर एक अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, शिरक ना होवे, अकीदे अंदर बिदअत दी मिलावट ना होवे। नंबर दो माल हलाल होना चाहिदा है। नंबर तीन नीयत खालिस होनी चाहिदी है। हुण ये तिन्ने चीज़ जेड़िया ने मैं कुर्बान जावा, अगर इन्हों मैं वेखा सैयदना जनाबे इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम आपनू इन्हों की रोशनी अंदर वेखा, खुदा दी कसमे
अल्लाह दे खलील विच ये सारियां खूबियां बदरज अतम पाइया जांदियां ने। एक मोमिन दी खूबी ते एक मोमिन दा ईमान की ओ जेड़ा कुरान ने कहा, अल्लाह फरमांदे ने इन्ना सलाती, ए मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, एक मोमिन ते मुसलमान वास्ते जरूरी किए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया लिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया इन्ना सलाती, मेरी नमाज एक एक इबादत का नाम लैके, इन्ना सलाती मेरी नमाज व नुसुकी ते मेरी कुर्बानी व महयाया मेरा जिंदा रहना व ममाती मेरा दुनिया तो जाना, ये सारिया चीजा लिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। हुण जनाब खलील अलैहि सलातो व सलाम आप नू वेखिए, मैं पहला अर्ज कीता कि हर वो कम जेड़ा अल्लाह दा कुरब हासिल करने वास्ते कीता जाए वो कुर्बानी समझी जाएगी। खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम ने अपने वतन की कुर्बानी पेश फरमाई है। परवाने ओ कुरान दियो, आओ जरा अल्लाह दे कुरान दे अल्फाज दे गौर फरमा लो। रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहा, आप निकले जदों दुश्मना ने अपना टिल ला लिया, कि इब्राहिम नू किसे तरह मुका दियो मिटा दियो खत्म कर दियो, और ओदे वास्ते आखरी हरबे दे तौर ते अग जलाई, खलीलुल्लाह नू आगे छोड़ दिता। ते इन्हां बेवकूफा नू पता नहीं के मारन वालिया नालों बचान वाला बहुता ताकतवर है, मारन वालिया नालों बचान वाला बहुता ताकतवर है। या अल्लाह अग बलन डई है ते सारा मुलक दुश्मन है, सक्का प्यो दुश्मना दी सफ च खड़ा, इत्थे आके बड़े बड़े आदे हौसले टुट जांदे ने, पित्ते पानी हो जांदे ने, बड़े बड़े मजबूर हो जांदे ने। आफरी ने खलीलुल्लाह तुहाडे ते, तुसां ने अपने खालिक ते मालिक नाल मुहब्बत दी इंतहा कर दीती। या अल्लाह कौम बरादरी करीबी रिश्तेदार सक्का प्यो वक्त का हुक्मरान सब मुखालिफ ने, ते अग बलन डई है, साथी एक भी नहीं, ते सोने हुण कोई बचान वाला बचा सकदा? फरमाया असी जो है वा आंदे ना, जिदा कोई ना होवे ओदा अल्लाह ते है ही है, पर मैं असी जो है वा। या अल्लाह अग ते बलन डई है, पानी पा के बुझा दोगे? फरमाया पानिया नाल ते अगां रोज बुझदियां ने, हवा चला के अग बुझा दोगे? फरमाया हवावां नाल भी अगां बुझदियां रहिंदियां। या अल्लाह अग बलदी रह, इब्राहिम नू आखे भी कुछ ना, यह किवें हो सकदा? फरमाया साडा आर्डर हो गया, या नारो कुनी या नारो कुनी अग जी मालिक, फरमाया बर्दन
ठंडी हो जा। अच्छा इन्ने भी अल्फाज काफी सन ना, रब ने हुक्म फरमा दिता है ठंडी हो जा, बस काम हो गया। नहीं, रब ने अगली एक और गल की है, बारदन ठंडी हो जा व सलामन सलामती वाली हो जा। तुहानू पता है ना बहुती ठंड भी चंगी नहीं, नहीं हुंदी। कई बल्कि जहन्नम दे अंदर एक अजाब, एक अजाब ते अग दा ना गर्मी दा, एक अजाब सर्दी दा जहन्नम दे अंदर भी। ते मेरे रहमान ने फरमाया बारदन ठंडी हो जा व सलामन ते सलामती वाली बन जा। मैं इहदे बारे अर्ज करिया करना, सलामन एसी बन जा। की बन जा? एयर कंडीशन बन जा, बहुती भी ठंडी ना होवे। मेरे खलील नूं किते सर्दी ना लगन लग पै। या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अर्श वाले ने बचाया ते बचाया, हुण हालात बदले। आपने इरादा फरमा लिया, इन्नी साहिबुन एला रब्बी सयादीन। वक्त पहला बाप दी कुर्बानी, यानी बाप दा ताल्लक खत्म कीता अल्लाह दी रजा दी खातर। कौम नाल वगाड़िए, कौम दी कुर्बानी दीती अल्लाह दी रजा दी खातर। वक्त दे हुक्मरान नाल टक्कर लईए अल्लाह दी रजा दी खातर। और मैं कुर्बान जावां हुण जनाबे खलील अपने वतन दी कुर्बानी देंदे ने वैल। मैं जा रहा वां, अल्लाह जुल जलाल मेरियां आप रहनुमाइयां फरमानगे। हुण वतन दी भी कुर्बानी दे दीती है, हुण उत्थे जाके ना ते अल्लाह जुल जलाल कोलों बहुती शिद्दत नाल हुण ओ जड़ी दुआ पहला भी सारी उम्र करदे रहे ने ना, रब्बे हबली मिन सालिहीन। अल्लाह नेक बेटा अता फरमा दे। कमी ते अगे भी है से महसूस भी करदे सन, हुण चुके पहला बरादरी च रहिंदे सन, रिश्तेदारा च रहिंदे सन, महल्लेदारी भी से। ते बंदा समझदा भतीजे आ गए, भनेवे आ गए, गुआंढियां दे बच्चे आ गए, वो बच्चे साढ़े अपने ही ने जी, कोई मसला नहीं। हुण जदों कल्ले हो गए और ज्यादा शिद्दत नाल, जनाबे खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम अपने मालिक दे सामने अर्ज करन लग पै, रब्बे हबली मिन सालिहीन। ए अर्शां वाले रब्बा नेक जिया बेटा अता फरमा दे। अंदाजा फरमाओ ना, हर इम्तिहान विचों मेरे खलील कामयाब हो रहे ने। मेरे प्यारे खलील हर इम्तिहान चो पास हो रहे ने। और एक साहिब दिल ने बड़ी प्यारी तर्जुमानी की थी, आंदा वावा अजम खलील सुबहान अल्लाह। ये सारे काम अजम नाल, हिम्मत नाल, जुर्रत नाल हुंदे ने। वावा अजम खलील सुबहान अल्लाह, हर अजमैश अंदर कामयाब निकले। वाह कुरबान अल्लाह, जिथे तेरे प्यारे खलील लेटे ने उन्हां ते रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमाना। वाह वाह अज़म खलील सुबहान अल्लाह, हर अजमैश अंदर कामयाब निकले। लैन वाले ने जदों हिसाब लिया, हिसाब लैन वाला कौन है? इम्तिहान लैन वाला कौन है? हिसाब लैन वाले जदों हिसाब लिया, पूरे
पूरे विच हिसाब किताब निकले जेर जबरदा फर्क नहीं पैन दिता अजेर जबरदा फर्क नहीं पैन दिता हर सवाल दा दे के जवाब निकले बड़ी सख्त तो सख्त भी पीड़ पई बड़ी सख्त तो सख्त भी पीड़ अंदर पास हो के आली जनाब निकले हर हर बरादरी कौम रिश्तेदार बाप हुक्मरान आगे च छाल वतन छड़ना ये सारा इम्तिहान ने ते अल्लाह जुल जलाल दे खलील हर इम्तिहान विचों 100% तो वद नंबर लैके कामयाब हो चुके ने और ये तिन्ने चीजा जेड़िया मैं इब्तदाए दसिया ने खलीलुल्ला नालों पक्का ते पुख्ता अकीदा कायनात विच किदा हो सकदा अकीदा ठीक माल हलाल दा माल ठीक सुभान अल्लाह और नीयत इखलास तो वध के खलीलुल्लाह दी नीयत तो और केड़ा हो सकदा अल्लाह जुल जलाल वली कराम दे रस्ते कुर्बानी हुण इत्थे एक होर कुर्बानी दे वतन पहला छड्डिया ते हुण आके रब कोलो जिहड़ा तरला कीता सी मिन्नत कीती सी या अल्लाह पुत्तर दे दे ते देई चंगा मैं इसे वास्ते कहा करना औलाद निरी ना मंगया करो औलाद नेक मंगया करो नेक औलाद का सवाल करया करो एक दोस्त ने गल सुनाई कहन लगा साढ़े एक जानन आले सन जिन्हां दे मुतालिक सानू पता सी कि बड़ी देर औलाद नहीं सी बेटा कोई नहीं सी ते दुआवां उलमा कोलो खतीबा कोलो तालिब इलमा कोलो मदरसे जलसे दुआवां करवांदा अंदर अरसे दे बाद मेरी मुलाकात होई उन्हां नाल मैं पूछया की हाल है बच्चे बुच्चे उन्हें आख्या एक पुत्र दुआ करो मर जाए एक बेटा है मेरा दुआ करो मर जाए मैं हैरान रह गया एक बेटा ते मंग मंग के ते तरले कर करके ले आया कहन लगा ये जमदा मर जांदा ते मैनू इन्ना दुख ना हुंदा एदी वजह तो महल्ले च मेरी इज्जत बर्बाद हो गई है एदा बहना खलौना शराबियां कोल एदियां रातां जिना दे अड्डियां ते एदियां रातां पतकारी ते बेहयाई दे अड्डियां ते गुजर दिया ने लोग मैनू उठ उठ के सलाम करदे सन हुण लोकी मैनू वेख के अपना रस्ता बदल जांदे औलाद मंगिया कर अल्लाह कोलो नेक औलाद दा सवाल करिया कर रब्बे हबली बे औलादो ए वजीफा रब्बे हबली मिन सालिहीन अल्लाह नेक औलाद अता फरमा दे जनाबे खलीलुल्लाह ए हुण एक होर कुर्बानी रब ने मंगी है प्यारिया इंज कर पुत्र ते असा तुहानू दे ही छड्डिया ते अजे इम्तिहान नहीं मुके इंज कर बेटा भी लीला ते बीवी भी लीला ते जंगल भी आबान आ जिथे अज बैतुल्ला ना अल्लाह सारिया नू लै दे आमीन ते कह दियो अल्लाह सारिया नू अपने घर की हाजरी नसीब फरमा हाजी गया ने कोई जा रहे ने ते अल्लाह जान वालिया नू खैर खैर ना लै भी जाए ते वापस भी लै आए ते सोनिया अगले साल सानू भी लै हौली हौली आमीन आंदे हो कि कबूल ही ना हो जाए है आमीन कह छड़ो कबूल हो गई ते पैसे भी आपे ही दे छड़ेगा हा
मुहब्बत की बात है, दिलों गल निकली होए शमशाम के मुतालिक रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने तरसते सन, तड़पया करते सन, या अल्लाह केड़ा वेला होए तेरे घर की हाजरी नसीब हो जाए। ते रब ने फिर ऐसी कबूल की कि कम अज कम 40 बार बैतुल्ला की ज़ियारत करके आए। किन्नी दफा? कम अज कम 40 मरतबा बैतुल्ला की हाजरी दे के आए। ते तरसया करते सन, ते आख्या करते सन, अल्लाह मुद्दत गुजरिया सिख दिया अल्लाह मुद्दत गुजरिया सिख दिया जोगी सांग बनान जी कर दे तेरे घर दे दवाले नस नस के तेरे घर दे दवाले नस नस के मेरा फेरियां पान जी कर दे अल्लाह तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरे दर विच रख रख सार वेखां जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमर नंगान जी कर द सफा मरवा तेरे शायर ने सफा मरवा तेरे शायर ने इना दोवां विच मंगया ए शायर ने अम्मा हाजरा वांगू बेसबरी दियां फेरियां पान नू जी कर दे ते गल बड़ी प्यारी करदे ने अल्लाह लखां पाप कमा बैठा हज करके लखां पाप कमा बैठा वा हज करके हुण शर्मिंदा वा मंदड़े चज करके लखां पाप कमा बैठा हज करके शर्मिंदा वा मंदड़े चज करके हुण पल्ला चुक के काबे दे सीने तो पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगान नू जी कर दे मेरा जी किरदा मेरा दिल किरदा ओ सावा गुंबद अखियां दे विच फिरदा मेरा जी किरदा मेरा दिल किरदा सावा गुंबद अखियां दे विच फिरदा ते जिन्ने सारी दुनिया ठार दिती मेरा भी ठंड पान नू जी कर दे अल्लाह सानू सारियां अपने घर की हाजरी नसीब फरमा दे ते सोने अपने महबूब दे दर दी ते मस्जिद नबवी की हाजरी भी नसीब फरमा दे इत्थे मैनू याद आए ने सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उस वली की कबर ते रहमत दियां बारशां नाजल फरमा दे सारी जिंदगी दुआवां ही करते रहे ने तड़पते रहे ने काबातुल्ला जान का इतफाक नहीं होया ते अक्सर न शाह जी रहमतुल्ला अलैह अशआर पढ़िया करते सन चली उस देश नूं सार बाना सार बाना दे ने जेड़ा ऊंठ नू चलान आला हुंदा है ना ड्राइवर साड़ी बोली ऊंठ नू जेड़ा चलान आला हुंदा टोरन आला हुंदा उन्नू सार बाना दे ने चली उस देश नू सार बाना जिथे कीता हबीबुल्ला ठिकाना
हबीबुल्ला कौन? मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चली उस देश नूं ऐसा अरबाना जिथे कीता हबीबुल्ला ठिकाना। चला उष्टर यानी ऊंट नू तेज दौड़ा, चला उष्टर ओवा कुर्बान तेरी, चला उष्टर ओवा कुर्बान तेरी, तेरे रावा तो कोली जान मेरी होई मुद्दत जो रोमन नैन मेरे, होई मुद्दत जो रोमन नैन मेरे। अल्लाह अपने सैयद की कबर नू रहमत दिया ते अपने फजल दे नूर नाल मुनव्वर फरमा दे। किंज तड़पया करदे सन, फरमांदे ने होई मुद्दत जो रोमन नैन मेरे, कलेजे छेक पावन वैन मेरे, गोबार उस रादी मैं सुरमा बनावा, गोबार उस रादी मैं सुरमा बनावा, होवा सदके अगर एक छाती पावा, ते जे पार होवन ते मारा उडारी, जे पार होवन ते मारा उडारी, वेखा रोजा जे ताल करनजारी। अल्लाह सानू सारियां नूं काबातुल्ला ते मस्जिद नबवी दी हाजरी नसीब फरमा दे। प्यारे खलीलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम वतन दी कुर्बानी दे बाद अपनी बीवी ते बच्चियां दी कुर्बानी दे के वापस तुर पए ने ना, ते जांदे आ जांदे आ रब ने गल कर रहे ने, फरमांदे ने रब बना इन्नी अस्कंतो मिन जुर्रियती बेवादिन गैर जी सर इंदा बैत कल मुहर्रम, रब्बना ले युकीम सलात फजल अफ़ायदत मिन नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुकहुम मिन समर لعلهم يشكرون। रब्बा मैं अपनी बीवी ते बच्चिया नू एना जंगलां दे सुपुर्द कर चलिया वा, अरशां वालिया इन्हां दे दीन दी भी हिफाजत फरमा, इन्हां दी दुनिया नू भी आबाद फरमा। अल्लाह सानू सारिया नू ए तीन शर्तां कुर्बानी दियां, अकीदा सही, माल हलाल, नीयत खालिस, ए तीनों चीज़ां अल्लाह सानू सब नू नसीब फरमाए और किताब सुन्नत दे मुताबक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन वलाकिबतुलिल्मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। मौला करीम तमाम बीमारां नूं शिफाए कामिला नसीब फरमा, तंग दस्तां दियां तंग दस्तियां दूर फरमा,
अल्लाह वे औलादां नूं नेक साले औलादां अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत नाल साढ़े सारयां दे दिलां दियां नेक तमन्नावां पूरियां फरमा। अल्लाह साढ़ियां जायज हाजात नूं पूरा फरमा। मेरे शाह कुरबानी दे दिन करीब आ रहे ने। अल्लाह अपनी अपनी हिम्मत ते ताकत दे मुताबक तेरे बंदिया ने तेरे रस्ते अंदर अपने माल कुर्बान करने ने अपनी रहमत नाल कबूल फरमा। अल्लाह सानू सब नू वाफर रिज़के हलाल नसीब फरमा। अल्लाह जिन्ना कोल इन्नी ताकत नहीं इन्ने वसायल नहीं अल्लाह अपनी रहमत नाल उन्हां नू भी अच्छे वसायल नसीब फरमा। अल्लाह अपनी रहमत नाल दुनिया आखरत दिया कामयाबियां नसीब फरमा। रब्बे गफिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन वालिही वसहबिही अजमाईन।